रिपीट के लिए बाय बाय। देखिए कैसे धीरे धीरे अंदर खींच रहा है वो बच्चे को, हो सकता है इसको हम बाहर लेने के बाद ये उसको फिर एक बार उगाल दे। नमस्कार मित्रांनो, मी आपला मित्र सर्पमित्र आकाश जाधव आणि फायनली मी अहमदनगरमध्ये पोचलो आहे। उडीसा झारखंड वेस्ट बंगालला मी होतो काही दिवस, तर आज आमच्या गावातून कॉल आला आहे नागरदेवळे गाव। तर खूप मित्रांची विनंती होती मराठीमध्ये पण बोला, पण आपला कंटेंट जो आहे पूर्ण भारतापर्यंत पोहोचला पाहिजे म्हणून मी जास्त करून हिंदीमध्ये बोलतो, जेणेकरून सर्व जे भारतातले रहिवासी आहेत त्यांना माहिती पोहोचेल। तो दोस्तों आज मैं पहुँचा हूँ हमारे महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला के अंतर्गत जो हमारा नागरदेवले गांव है यहाँ पर, तो हमारे मित्र है यहाँ पर। चलिए आगे। हाँ कुड़े तो भाई हमारे बिल्डर ये हमारे मित्र है नागरदेवले गांव से, हमारे घर से लगभग 100 मीटर दूरी पर ये रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कबूतर खाना है और कबूतर खाने के लिए सांप यहाँ पर आया होगा। कबूतर खाल्ले का त्याने? अच्छा, तर मित्रांनो त्याने कबूतर खाल्लेला आहे, कबूतर का बच्चा जो है इसने निगल लिया है। तो देखिए धामन सांप शायद उसको निगल रहा है इसलिए वहाँ पर बैठा हुआ है, वरना इतनी देर से बैठा नहीं होता, ये खा रहा है कबूतर को इसलिए बैठा है। धरू येतो ना शिजला ठीक आहे। धामन साप आहे, धामन। तो ये देखिए किस तरह से बच्चा निकल लिया इसने, धामन सांप ने कबूतर का बच्चा ये खा रहा है। देखिए तो ये सांप अक्सर अपने घर के आसपास चूहा मेंढक या पंछी खाने के लिए आते हैं, और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये अभी जो कबूतर है वो खा रहा है, उसको धीरे धीरे अंदर खींच रहा है। देखिए वैसे तो मैंने इसको पकड़ लिया है, अगर पकड़ करके मैं इसको बाहर ले लूँगा तो ये कबूतर जो खाया हुआ है ये उगाल देगा, इसको निकाल लेगा। अच्छा इसको हम पहले खाने देते हैं। देखिए कैसे धीरे धीरे अंदर खींच रहा है वो बच्चे को, हो सकता है इसको हम बाहर लेने के बाद ये उसको फिर एक बार उगाल दे। देखिए फिर एक बार उसने उगाल दिया।
उगाल दिया उसने। मैंने कहा था ना जैसे बाहर ले लूँगा तो ये उगाल देगा, क्योंकि भागना चाहते हैं। तो चलिए, धामन सांप को हमने यहाँ पर पकड़ लिया है, जिसे हिंदी में धामन, हिंदी में एक और नाम है घोड़ा पछाड़, इंग्लिश में इंडियन रैट स्नेक। इंग्लिश में इस सांप को इंडियन रैट स्नेक कहा जाता है। चलिए इधर आओ। नहीं नहीं, आता शांत है ना सद्या, चावत असते पण शांत आहे आता सध्या। तर मित्रांनो, सापांचे स्वभाव खूप वेगवेगळे असतात, कधी चावतात, कधी वारंवार अटॅक करतात, कधी खूप शांत असतात। आता पाहू शकता आपण, शांत आहे हा। कभी कभार ये बहुत जोर से बाइट करता है बार बार, और इसके काटने से वैसे तो कुछ होता नहीं, लेकिन चाहे जहरीला सांप हो चाहे बिना जहर वाला सांप हो, अगर आपको काटता है तो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना जहर वाले सांपों में उनकी लार में बैक्टीरिया होता है ख़तरनाक। अगर वो किसी जगह पर हमें काट लेते हाथ को पाँव को, तो वहाँ पर बड़ा सा घाव हो सकता है, पॉइजन हो सकता है ना, पॉइजन भी हो सकता है वहाँ पर। इसलिए सांप काटे जल्द से जल्द हॉस्पिटल। तो चलिए अभी इसको बैग में डालता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो में बने रहने, सांप को हम एक सुरक्षित जगह पर एक पर्यावरण में रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे नागरदेवली गांव में एक सांप रेस्क्यू किया था, यहाँ पर मैं इस सांप को रिलीज़ कर रहा हूँ। ये धामन सांप है, तो ये देखिए धामन सांप यहाँ पर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं।